छोरा शहर की गोरी शीस हाँ शीस पाने दो मिलिए महा लड़ा की खोपड़िया ठंड ठंड तो जल्दी कम्मा है तेज जी जंगली आफत की पुड़िया है थोड़ी थोड़ी पगली रब हुआ का जब हुआ दादिया अम्मा अरे कैसे हो बस तुझे याद कर रहे थे हम हाँ हाँ हमें पता है कितना सोच रहा था तभी तो अपने ससुराल में जाकर पढ़ा है तू दादिया तू भी ना बस अच्छा ये है आनिया के और ईसा के रिश्तेदार और ये हमारी दादी और हमारी अम्मा नमस्ते जी हेलो नमस्ते जी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और आपका बेटा और बहू बहुत ही प्यारे हैं नो आपके लिए होंगे हमसे तो छीन कर आप अपने साथ ले गए घर जमाई बनाकर उसे तो ले जाइए ना इन्हें रोका किसने रघु ये जो है ना हमारी दादिया बहुत मजाकी है बस मजाक करती रहती है हमेशा है ना दादिया तू भी मजाक कर रही है का वहाँ खड़ी है लाश शर्म के हवेली में छोड़कर आई है वो अम्मा जी शांत हो जाइए का है शांत रहे हमारी बहू हमारे पाँव ना छू रही है और तू कह रही है कि हम शांत रहे ये दादी अरे दादी आप हमें गलत समझ रही है भला हम आपके पाँव क्यों नहीं छुएंगे आप हमारे घर के बड़े हैं आपका रिस्पेक्ट करना तो हमारा फर्ज है ये छोरी इतनी बड़बड़ काहे कर रही है लगा था कि धूप घुस गई है सर में दादी इसमें आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे अरे हम दोनों बहनों ने आपके पांव ही तो छुए आफ्टर ऑल हम दोनों है ही इतने क्लोज और भोला भी तो आपके बेटी जैसा ही है ना तो आप दोनों हम दोनों की सास हुई ना है ना है ना और एनीवेज आई हैव एन आईडिया आप जब हम मिल चुके हैं तो आप ब्रेकफास्ट यानी सुबह का नाश्ता हमारे साथ क्यों नहीं करें हा? नहीं नहीं नो नो वो काय के दादी और अम्मा नाश्ता करेंगी नहीं तो करती नहीं क्यों वो व्रत है ना उनका चीजें फास्टिंग लेकिन आज तो वेंसडे हाँ। ओ ओ हाँ वेंसडे को वो किसी के घर नहीं खाते हैं और ट्यूसडे को खाते नहीं है और मंडे को जिंजर गार्लिक अनियंस का बात है पगलाए गई है का दादी हम समझाते हैं हम जरा आते तने बात तो सुनो का हुआ था के जरा का कर बात तो सुन हमारी कहा है कि मेमनी के जो रिश्तेदार है ना जरा अजीब से अजीब से पागल है का कुछ पागल ही समझ लीजिए मॉम एंड डैड से पूछ लेना इसीलिए उन्हें इनवाइट करना ठीक नहीं होगा तो उसी घर में रह रहा है कोई तकलीफ तो ना है हमें कोई तकलीफ ना पर एक बात ध्यान रखना उनके सामने मेमने से ज्यादा बतियाना मत वरना ना वो अजीब सा बर्ताव करने लगते हैं ओ चलो ठीक है तुम्हारा नाम नहीं लेंगे पर चाय पे तुम्हें उन्हें जरूर इनवाइट करूंगी यस बहन जी बड़ा अच्छा हुआ कि आप लोगों से आज मुलाकात हो गई समय निकाल के हमारे घर जरूर आइएगा वो तो बाद में होगा पहले आप हमारे साथ चाय पियेंगे नहीं नहीं रहने दीजिए चलते हैं ना That's great. तुम तक आए परेशान हो रही है जरा हम भी तो देखें कि हमारी छिपकलिया बहू के विदेशी रिश्तेदार कितने मराए हैं आप भी ना मजे लेना चाहती चलना चलो आई जानकी जी अरे डेबी जी उठिए मत बैठे रहिए अरे बैठे ना रघु बताया रहा था आपके चोट के बारे में हाँ। आप कैसा है पहले से तो काफी बेहतर है इतने सारे लोग जो है घर में मेरी देखभाल करने के लिए
आपकी छोरियां तो अपनी देखभाल ना कर सकत हैं, आपकी देखभाल का करेंगी भला? कितनी मजाकी है तू दादी, कहीं हमारे संधियों को बुरा ना लग जाए। ये तो बड़ा अजीब मजाक है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया। ईशा और हानिया ठीक कह रहे थे, रघु की फैमिली थोड़ी पागल है। बस एनीवे मैं आप लोगों के लिए चाय बना के लाती हूँ। आंटी प्लीज, मेरे हो तो वे आप कैसे काम कर सकती है? I'll make the tea for everyone. Excuse me, Nikki. मैं अपनी सास और दादी सास के लिए चाय खुद बना सकती हूँ, ओके? तुम्हारी सास? मतलब मेरी सास? और आनिया की सास? एक ही बात है ना? वो मैंने आपसे कहा था ना कि हम दोनों कितने क्लोज हैं, तो उसकी सास और मेरी सास एक ही बात है। चलो चलो अपनी सास सुजी के लिए चाय बना के लेके आते हैं। चलो 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 चलो। ये छोरी कैसन बातें कर रही है? पगला गई है का? अरे छोड़ ना ददिया, तू ये बता कि राम प्यारी कैसी है, हमें याद करती होगी ना? अरे बिटवा हमसे पूछ, आज सुबह सुबह हम उनके पास गए तो मुंह फेर के बैठ गए, अपने रघु भैया की शक्ल नजर ना आवे है इसलिए रूठ के बैठी हुई। राम प्यारी कितना स्वीट नाम है ना, ऐसा नाम तो मैंने पहले कभी सुना ही नहीं। गाँव में ऐसे ही नाम रखते है। बीच में होगी रघु की बहन, ये लोग कह रहे थे ना कि अपने रघु भैया को बहुत मिस कर रही है। अरे कल रात की तो तू पूछ ही ना, है पगला इसी आंगन में इधर से उधर घूमे जा रही थी। हम गए, हमने पकड़ के उसे बांध दिया, अभी तक बंधी है। क्या राम प्यारी को आप घर में बांध के रखते हैं? घर में काहे बांधेंगे, हमने बाहर छप्पर बनवाया है। ओ नो, ये तो बहुत बुरा सलूक हुआ, ऐसा तो हमने कभी सुना ही नहीं। दोनों विदेशी बुढ़ऊ हमें तो पागल लगे। दोनों औरतें पागल लगती हैं। राम प्यारी को घर में बांधने की बात कर रहे हैं, है ना पागल? अपनी बेटी को घर के बाहर बांध के रखते हैं। अगर बांध के ना रखें तो पूरे गांव में भागती फिरेगी वो। क्यों, कुछ गड़बड़ है उसके साथ? अरे गड़बड़ काहे होगी, हमारा राम प्यारी तो अच्छी खासी हट्टी कट्टी है। तो आप उसे घर में क्यों नहीं रखते हैं? आपके देश में गाय भैंसों को घर के अंदर रखते होंगे, हमारे गांव में तो गाय भैंस को बाहर ही बांधते हैं। गाय भैंस? यू मीन राम प्यारी? हमारी भैंस है। थैंक गॉड, हमने तो सोचा राम प्यारी। आप क्या समझ रहे थे? वो मैं तो नहीं नहीं कुछ नहीं। देखा बिल्कुल ही पगलाट लगे हैं हमें तो। जानकी जल्दी से हम यहाँ से खिसक लेते हैं, बचुआ से भी कह दे कि घर आ जाएगा। अच्छा जी अब हम चलेंगे हैं। नहीं नहीं आप ऐसे नहीं जा सकते हैं, कम से कम चाय तो पीजिए प्लीज। बैठ जाओ तुम। और छोटू कैसा है, उसे साथ नहीं लाया? अभी ये मत पूछना कि छोटू कौन है, उनका बेटा है या कुछ, जरूर किसी पालतू जानवर का नाम होगा। अरे छोटू की तो बस आप पूछिए ही ना, का धमाल मचाए रखता है, कभी खेतों में तो कभी चौपाल पे, आवाज देंगे तो झट से दूसरी गली में घुस जाएगा। सचमुच बहुत शैतान हो गया है, जब भी भूख लगती है तो किसी न किसी के घर में जाके खाना खा लेता है, अब घर आने की जरूरत कहाँ पड़ी है उसे। इतना बुरा भी ना है अम्मा, पाठशाला तो जावे है ना। स्कूल? छोटू स्कूल जाता है जी? कौन से? वही जहाँ गाँव के सारे बच्चे चले जाते हैं। ये बीमारी बहुत तेजी से फैल रहा है। लेकिन छोटू को टीचर्स पढ़ाते हैं। This is interesting. रघु, छोटू को स्कूल में क्या पढ़ाते हैं? वही जो बाकी सबको पढ़ाते हैं, भूगोल गणित विज्ञान, वही पढ़ाई लिखाई। छोटू स्कूल में सीखता है? काहे ना सीखेगा, पूरे गांव को अनपढ़ समझ रखे हो का तुम? Oh wow, that's great! कुत्ते को स्कूल में पढ़ाते हैं। Oh, that's out of this world! कुत्ता? कुत्ता? कुत्ता?
मेरे बेटे को आप कुत्ता। बेटा? बस बहुत हो गया, अब हमारे छोटे बेटे की खिल्ली उड़ा रहे हैं आप। प्लीज देख दादी, आप कुछ गलत फहमी हुई, इन लोगों को छोटू से थोड़ा मिलवाया हमने, नाम से थोड़ा पहचानेंगे। चुप, यहाँ रह के इन्हीं की भाषा बोलने लगा है तू। हम जा रहे हैं, चल बहू। ददिया, बात को सुन। अरे आंटी विक्टोरिया, एक मिनट जाने दीजिए उन्हें, बाद में समझा देंगे हम, इट्स नॉट एन इश्यू। आइए। Oh my God, I'm feeling so bad, you know. चाय रेडी है। अरे दादी और जानकी मकान। जानकी माँ, दादी। वो जा चुके हैं। मैंने नाराज होके गए क्या? पर अच्छा हुआ कि चले गए, अगर यहाँ रुकते तो कोई ना कोई बात जरूर निकलती और ये भांडा फूट जाता। रघु, मुझे ये झूठ बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, बस झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, कब खत्म होगा ये सब? अरे तंग तो हम भी आ गए मैम, पर झूठ बोलने का यही नतीजा है, एक झूठ बोलो तो उसे छुपाने के लिए 10 झूठ बोलने पड़ते। हमें सबको सच बता देना चाहिए, बस बात ही खत्म। अरे चाहते तो हम भी यही, झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है, नफरत करते हैं झूठ से। झूठ झूठ से तो मुझे भी सख्त नफरत है, ये बात हम दोनों के बीच में एक जैसी है। जो भी मुझसे झूठ बोलता है उसका नाम मैं दोस्तों की लिस्ट से हमेशा के लिए काट देता हूं। ठीक है ना रघु? बाहर क्यों खड़े हो, अंदर चलो, चाय ठंडी हो रही। तुम्हें पराठे चाहिए है ना? मैं अभी बना देती हूँ। तुम रघु के लिए पराठे बनाओगी आन्या? हाँ। नहीं, वो भोला के लिए। भोला, भोला तुम पराठा खाओगे ना? खाओगे ना भोला? हाँ खाएंगे। मैं भी बना के लाती हूँ। Oh, I make fabulous parathas. Neil baby, मैं तुम्हारे लिए पराठे बना के लाती हूँ। Okay? Wow, sweet of you. मैं भी रघु के लिए पराठे बना के लाती हूँ। दोनों कन्याएं जो है रसोई की ओर गई हैं। कहीं रसोई का हवन को ना बना दें। ओके गर्ल्स, कम टेल मी, आलू, आटा, मसाले, प्याज, वेयर इज एवरीथिंग? लेट्स स्टार्ट। आटा, अब पता नहीं आटे की क्या जरूरत है। तो तुम आटे के बगैर पराठे बनाओगी ईशा? नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब है कि मॉम ने आटा गूंद के ही रखा होगा। हाँ। नो 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 नो, मुझे खुद गूंदना है। आई वॉन्ट इट परफेक्ट, यू सी। ये रहा। निकी, जब तुम आटा गूंद ही रही हो तो काम डिवाइड कर लेते हैं। मैं पोटैटोस बॉईल करती हूँ, ईशा मैश करके मसाला डाल देगी और तुम सबके लिए पराठे बना देना। नो 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 स्वीट, सबके लिए नहीं, मैं सिर्फ नील और अंकल आंटी के लिए बनाऊंगी। तुम दोनों अपने हस्बैंड के लिए खुद बनाओ और खिला दो। यू नो व्हाट, तीन लड़कियां पराठे बना रही हैं तो मेरा भी एग एंड टोस्ट खाने का मन नहीं कर रहा है। हम सब पराठे खाते हैं, लेट्स ऑल ऑफ अस ईट पराठास, है ना डेबी? अब हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। हनी बन, तुम तो पराठा एक्सपर्ट हो,
जाओ जाके लड़कियों को हेल्प करो, कुछ टिप्स विप्स दो। अरे नहीं नहीं, आप क्या कष्ट करेंगे, हम है ना, हम मदद करेंगे अपनी धर्मपत्नी की। हाँ बैठ जाइए। अच्छा आइडिया है, मैं भी जाकर मेरी स्वीट लिटिल निकी की मदद करता हूँ। ओके या भोला जी, तुम भी जाओ आन्या की मदद करो। हाँ हाँ, अरे कहा नहीं करेंगे, यदि हम अपनी श्रीमती की सहायता नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो हम भी जाते हैं। आप लोग भी हमारी मदद करने आए? हाँ, मदद करने तो आए हैं, परंतु वो कहा है कि हम जो है पराठे बनाने की विधि से परिचित नहीं है। Okay, sweetie, just tell me, मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? Sure, baby. Okay. रघु, तुम मेरी मदद करो। हाँ आन्या जी, आदेश दीजिए, बोले क्या करना है। Excuse me. Excuse us, please. तुम लोग पराठे नहीं खा रहे हो? वो क्या है, पराठे हम बाद में खा लेंगे, we are done for now. हाँ, मैं अपने पैर को थोड़ा रेस्ट दे दूँ। इसे चॉप 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 और इसे मैश मैश मैश। ओके? अब एक काम करो, आटा हम गूंदेंगे, मसाला तुम तैयार कर देना। ये क्या कर रहे हो? अब आना जी, आलू का पराठा बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसे नहीं, आलू को आटे में डालो। अच्छा। आटे को गूंदो। जी। चलो आटा गूंद गया, दो आलू हमें, आलू गूंदते। लो, जे बन गए पराठे। रेडी। ई हो गया और ई भी हो गया। Here, honey, for you. Come on, इस तरह बैठे शक्लें देखते रहेंगे क्या? खाएंगे नहीं? Come on, munchkins. पहले तुम खा के बताओ कि हमने कैसे बनाए हैं। Out of this world. Thank you. रघु, तुम भी खाओ ना पराठा। नहीं। कैसा है? बहुत स्वादिष्ट है। रघु, अब तुम मुझे अपने हाथों से खिलाओ, और भी स्वादिष्ट लगेगा। इसलिए तो कहते हैं, आदमी के दिल में पहुंचने का रास्ता उसके पेट से शुरू होता है। भोला, तुमने नहीं बताया कि तुम्हारी बीवी ने कैसे पराठे बनाए हैं? वो कहा है कि अभी हम जो है चखे नहीं हैं। तो चखो। Come on, आन्या, भोला को खिलाओ।
नहीं। दोनों पहले एक दूसरे को खिलाना चाहते हैं। सो स्वीट। खिलाओ। से क्या हुआ? हम तो कुछ नहीं किए हैं। कहा है कि मिर्ची लग गई होगी। ओह माय। लगता है आना को उसका पराठा सूट नहीं किया। नहीं नहीं, भोला भी तो खा रहा है। स्वादिष्ट होगा, है ना भोला? बहुत स्वादिष्ट है लगो भैया। देखिए। रघु, तुम्हें तो अच्छा लगा ना पराठा। खाना। नहीं सब बस। खाना। नहीं बस बहुत। रघु खाना। बस बस। खाना। अरे कह रही ना बस। अरे किसी पराए आदमी से चिपटने में शर्म ना आए तुम्हें? जब लव हुआ।